सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। लश्करे तैयबा और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान के लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्लोबल आतंकी हाफिज को लाहौर के लखपत जेल में रखा जाएगा, लेकिन हाफिज की गिरफ्तारी 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर नहीं हुई है, बल्कि टेरर फंडिंग से जुड़े कई मामलों में हुई है और न ही लाहौर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जबकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने गिरफ्तार किया है। CTD ने पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत 2 दर्जन से अधिक केस में कार्रवाई की है। हाफिज सईद पर टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। बीते 3 जुलाई को हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की समेत कई अन्य बड़े आतंकियों पर CTD ने ये एक्ट लगाया था और मामला दर्ज किया था। CTD ने पंजाब के 5 शहरों में जमात उद दावा के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें अल अम्फाल ट्रस्ट, दवात उल इरशाद ट्रस्ट, मुआज बिन जबल ट्रस्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के तहत फंड इकट्ठा करने का आरोप लगा मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।